लोकसभा चुनाव में भाजपा की महाराष्ट्र में कम सीट मिलने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि क्योंकि भाजपा की सभी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक नेता के रूप में मेरे ऊपर थी, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ। 2019 में हमको 27.84 इतने वोट मिले थे, इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी को 27.84 थे, इस बार 26.17 यानी सवा या डेढ़ परसेंट वोट ये केवल हमारे कम हुए हैं। और उसमें हमारी सीटें 23 से सीधे 9 पर आई है। और वहीं अगर आप कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और एक सीट मिली थी, 16.41 से इस बार उनका प्रतिशत हो गया 17 यानी आधा परसेंट बढ़ा और उनकी सीटें 13 हुई है। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नरेटिव संविधान बदलने वाला नरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है, इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई, इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण 2 बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आया कि इनके बारे में एंटी इनकम्बेंसी है, ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए, तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है, तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक
इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत हैं और अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं, कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापिस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे।